झारखंड राज्य में 8 सालों के बाद जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी। आपको बता दें कि सरकार और आयोग की ओर से तमाम व्यवस्था की गई थी ताकि परीक्षा जो है वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से ली जाए, लेकिन लगातार अभ्यर्थी कई आरोप लगा रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी मौजूद है। हम बातचीत करेंगे कि लगातार जो अभ्यर्थी है वो आरोप लगा रहे हैं कि परीक्षा जो है वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं ली गई है। धांधली का भी आरोप जो है वो अभ्यर्थी लगा रहे, धरना प्रदर्शन भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि धांधली हुई है या फिर आप लोग जो जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली गई है, क्या इसी तरीके से ली गई है परीक्षा? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पूरी डिटेल के साथ हम लोगों ने बताया कि कैसे कई चरण में हम लोगों ने इसमें लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी रखा है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन किया है, और आयोग को पूरा विश्वास है कि ये बिल्कुल कदाचार मुक्त और सफल तरीके से परीक्षा हम लोग आयोजित किए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी कैंडिडेट के पास कोई प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है और आरोप है तो लेके आ सकता है, बिल्कुल आयोग उसकी जांच कराएगा। और जहां तक मामला है आशंकाओं का, तो बहुत सारे बच्चे जो आशंकित थे कि उनके द्वारा जो है सीरियल कोड भरने में गलती हो गई है या ओएमआर संख्या जो है बुकलेट संख्या से मैच नहीं कर रहा है, तो उन सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है कि अगर उनके द्वारा कोई गलती हो भी गई है तो उसको हम लोग पकड़ के सुधार सकते हैं और उनको आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक अभ्यर्थी का वीडियो देखा होगा, वो लगातार यही कहता हुआ नजर आ रहा था कि क्वेश्चन पेपर अनसील्ड था। उसका ये भी कहना था कि अगर ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली गई है तो क्वेश्चन पेपर अनसील्ड कैसे रह गया? इसके बारे में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपको बताया कि जो प्रश्न पत्र छपे थे, करीब 20 लाख प्रश्न पत्र छपे थे, सारे सिक्योरिटी प्रेस में मशीन से प्रिंट होके सील होते हैं, पैक होते हैं, और वो कई लेयर्स में पैक सील हुए थे। पहला तो उस पर एक छोटा सा पेपर सील होता है, पेपर सील के बाद एक टेम्पर एविडेंट एनवेलप में 12-12 के सेट में पैक किया जाता है, फिर मेटल ट्रंक में सील हुआ, फिर मेटल ट्रंक के ऊपर लॉक को सील किया गया, फिर उसके ऊपर फर्दर सीलिंग हुई है, कई और लेयर्स की सिक्योरिटी थी। तो अगर 20 लाख प्रश्न पत्र प्रिंट हो रहे हैं, छप रहे हैं, पैकिंग हो रही है, तो उसमें कभी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, एडिसिव अगर उसका हल्का रह गया हो तो खुला रह गया होगा। लेकिन वो पेपर सील का टूटा रहना इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि वो लीक हुआ है। पेपर सील का पर्पस क्या होता है कि जब बच्चे को प्रश्न पत्र दिया जाता है तो वह उसको तभी तोड़े जब घंटी बजेगी, इसके अतिरिक्त उसका और कोई उपयोग नहीं है। उसके ऊपर तो कई लेयर्स और सीलिंग होती है, इसलिए उसके लिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कई ऐसे अभ्यर्थी है जो लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे थे, उनका कहना था कि 2022 में एसएससी में जो भी सवाल पूछे गए थे वो अधिकतर सवाल जो है इस बार सीजीएल की परीक्षा में पूछे गए हैं। आप लोगों का कहना है कि जो एजेंसी ली है वो तमाम तैयारियों के साथ क्वेश्चंस पेपर बनाए या फिर क्वेश्चंस जो है वो एडजस्ट किए, तो क्या लगता है मिलीभगत लग रही है क्या आपको, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए, क्वेश्चन पेपर बनाने की प्रक्रिया टोटली रैंडमाइज्ड है और कई लेयर ऑफ रैंडमाइजेशन होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हों जो क्वेश्चन भेजते हैं उसको रैंडमाइज करके मल्टीपल क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, उसमें से रैंडमली एक सील अवस्था में अध्यक्ष के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो ये महज इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि परीक्षार्थी आप भी रही हैं, हम भी रहे हैं, किसी भी परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो पुराने परीक्षाओं के लड़ते हैं, ये कोई मतलब आश्चर्य वाली बात नहीं है। पहली दफा हुआ है झारखंड राज्य में कि इंटरनेट सेवा बाधित रहा, जब परीक्षा ली गई, यानी कि एक समय निर्धारित किया गया था कि इस समय से इस समय तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, तो क्या कुछ फायदा आप लोगों को नजर आया, क्या ऐसा लगा कि हाँ इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षा ली गई? क्योंकि इससे पहले जनवरी के महीने में जब परीक्षा ली गई थी तो पेपर लीक का मामला सामने आया था, आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे, तो क्या इससे कुछ आप लोगों को फायदा हुआ? देखिए, ये विषय अभी चूंकि हाईकोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए इस पर मेरा कोई भी कमेंट करना उचित नहीं है। बाकी एक इन्फॉर्मेशन ये दे सकते हैं कि हाल ही में आसाम में 15 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था तृतीय वर्ग का, उसमें उन लोगों ने मोबाइल इंटरनेट बंद किया था और उससे उनको फायदा हुआ। कई ऐसे वीडियो जो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में, वहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कई ऐसे सेंटर पर कई जो अभ्यर्थी है वो क्वेश्चंस पेपर या फिर कह सकते हैं उन्हें कोई आंसर बता रहा है या वो फिर लिख रही है, तो ऐसे में कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ होगा? अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या आप लोग जाँच कीजिएगा अगर कोई प्रमाण लेकर आता है कोई स्टूडेंट? देखिए, हाइपोथेटिकल सिनेरियो पे तो कोई अंत नहीं है, कितने भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाए जा सकते हैं, कोई भी निर्णय पुख्ता साक्ष्य के आधार पर ही होता है, तो अगर हमारे पास पुख्ता साक्ष्य आएंगे तो हम लोग जांच करेंगे। स्टूडेंट का ये भी रहता है कि अध्यक्ष से मिल नहीं पाते हैं या फिर कोई अधिकारी से नहीं मिल पाते हैं, तो कैसे अपनी बात को रखेंगे, तो प्रोसेस क्या है आप तक पहुंचने के लिए?
यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हैं जो लगातार यहाँ पे सचिव जेएसएससी के साथ मिलते रहे हैं और सचिव जेएसएससी ने उनके आशंकाओं को दूर किया है। आज भी नगर पालिका सेवा के कुछ बच्चे आए थे, हम लोगों से मिले, हम भी थे और उनको हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र उनका रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चे आते हैं और एक्चुअली लगातार सचिव को तो स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आप सबसे मिलते रहें, क्योंकि हमारे पास अन्य प्रभार भी हैं तो हम अन्य जगह भी रहते हैं, तो अगर हमारी अनुपस्थिति है तो सचिव से मिल सकते हैं। बच्चे को अब डर सता रहा है क्योंकि इससे पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, रद्द किया गया था, स्थगित किया गया था परीक्षा को, तो क्या अगर इस बार भी कोई प्रमाण मिलता है, जांच होती है, तो क्या इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल सकता है? क्योंकि सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, तो क्या लगता है अभी आप जो सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए, प्रजातंत्र में सवाल उठाना सबका अधिकार है और यही इसकी खूबसूरती है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और लेकिन मेरा ये कहना है कि आशंकाओं के आधार पर घबराने की या कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी निर्णय होगा पुख्ता प्रमाण के आधार पर होगा और आयोग जो बच्चों के भविष्य के लिए सही होगा वही निर्णय लगेगा। अगर आयोग को लगता है कि कहीं कोई चोरी नहीं हुई तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, अगर आयोग को विश्वास हो जाता है कि लीक हुआ है तो निश्चित रूप से फिर हम एग्जाम को रद्द करेंगे और जो एजेंसी है उस पर कार्रवाई करेंगे, ये तो स्पष्ट है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है तो फिर अनावश्यक हम बच्चों को आशंकाओं के घेरे में क्यों डालें? एंसर की और रिजल्ट कब जारी होगा, क्योंकि चुनाव भी है और ऐसे में डर भी सता रहा है कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो? आंसर की कल हम लोग अनाउंस कर देंगे। रिजल्ट कब तक? रिजल्ट तो प्रक्रियागत है, वो तो स्कैन करके जब हम रिजल्ट तैयार कर पाएंगे, हमको लगता है उसमें 10 दिन का समय कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो एसएससी की ओर से ली गई थी, नगर पालिका सेवा संवर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसके साथ ही आईटीआई इंस्ट्रक्टर, उत्पाद सिपाही, कई ऐसी परीक्षाएं ली गई थी लेकिन रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है। तो अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछे कि रिजल्ट कब प्रकाशित होगा, क्या वो लोग इंतजार करें? कई रिजल्ट हम लोग प्रकाशित कर चुके हैं, जेईई का रिजल्ट प्रकाशित है, करीब 1500 बच्चों को हम लोगों ने अनुशंसा भेजा, उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है, योगदान कर चुके हैं। पीजीटी टीचर्स के भी लगभग 2500 कैंडिडेट्स मुझे लगता है उनको अनुशंसा की गई है, योगदान कर चुके हैं। लैब असिस्टेंट के कुछ बचे हुए मामले थे वो हम लोग अनुशंसा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त ये सहायक आचार्य की परीक्षा लगभग हमारी कंप्लीट है, रेडी है, माननीय न्यायालय के जब आदेश मिलेगा तो हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे, रिजल्ट पब्लिश करेंगे। और आईटीआई इंस्ट्रक्टर का तो रिजल्ट आज ही हम लोग जारी कर रहे हैं और नगर पालिका सेवा का भी हमको लगता है कि 1 सप्ताह 10 दिन में वो भी रेडी हो जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सवाल है, मेरा सवाल है, कोई स्टूडेंट का सवाल नहीं है, कि जेएसएससी हमेशा विवादों में क्यों रहती है? कोई भी परीक्षा ली जाती है तो कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है, स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, सिर्फ यही पूछते हैं कि हमारी गलती क्या थी। मैं भी यही पूछ रही हूँ, उनकी गलती क्या है? एक्चुअली ये जो परीक्षा ली जा रही है इससे नियुक्ति की प्राप्ति होती है और वो बहुत ही हाई स्टेक, लेकिन नियुक्ति ही नहीं हो पाती, इसलिए सुन लीजिए मेरी बात को, क्योंकि इतना हाई स्टेक है कि हर बच्चा चाहता है कि उसको नियुक्ति मिले और जब भी कोई रिजल्ट आने वाला होता है और उसकी नियुक्ति नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और किसी को हम रोक नहीं सकते। तो ऐसे मामलों में लिटिगेशन काफी होता है, लिटिगेशन के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो जाता है, तो ये ऐसा नेचर ही है हमारे काम का कि बहुत हाई स्टेक इशू है, हर कोई इसमें अपनी बात को आगे रखना चाहता है, क्योंकि सबकी बात जब रखी जाती है तो थोड़ा उसका निष्पादन में समय लगता है। हम भी उम्मीद करेंगे कि आप अध्यक्ष बने हैं तो जितने भी विवाद से नजदीकी रहा है जेएसएससी का उससे दूर रहेगा जेएसएससी। देखिए, प्रजातंत्र में विवादों से हम नहीं डरते, लोग आएंगे अपनी बात रखेंगे, विवाद उत्पन्न होगा लेकिन इस विवाद के बीच से जो सही रास्ता है वो निकलना चाहिए, है ना? धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार मौजूद थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर कोई अभ्यर्थी प्रमाण लेकर आते हैं और उन्हें ऐसा डाउट होता है कि धांधली हुई है तो आने वाले समय में परीक्षा रद्द की जाएगी, लेकिन इनका कहना है ऐसी कोई भी बात नहीं है, ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा ली गई है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची।